हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज हम गुलिवर का पार्ट टू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बुक थ्री और बुक फोर करेंगे। आज चलो पहले हम बुक थ्री से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर गुलिवर फिर से एक और वोयाज पे जाना शुरू करते हैं, वैसे जैसे पहले इनकी शिप टकराई थी किसी बहुत बड़े स्टॉर्म से, वैसे अभी भी इनकी शिप टकराती है। और यहाँ पे ये एक फ्लोटिंग आइलैंड पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं एक बादल सा बना हुआ है ऊपर शिप। और फिर देखते हैं ना ये क्या चीज़ है, तो वो अपने पॉकेट से एक पॉकेट ग्लास निकालते हैं और देखते हैं ये तो एक आइलैंड है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। फिर वहाँ पे वो जाते हैं तो वो जो क्लाउड था वो नीचे आता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और उसको लोग ऊपर ले आते हैं अपने क्लाउड में। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है यहाँ पे जो लोग के बारे में। यहाँ पे गुलिवर देखते हैं जो लोग के हेड हैं, या तो वो लेफ्ट साइड पे इंक्लाइंड है या तो वो राइट साइड पे है। एक की आँख कुछ अलग है, यहाँ पे बहुत अलग टाइप के लोग हैं। और देखते हैं कि यहाँ पे लोग इतने लॉस्ट है अपने थॉट्स में कि उनको उठाना पड़ता है, अरे अरे सुनो मेरी बात, तब उठते हैं वरना कोई सुनता ही नहीं है किसी की बात। फिर गुलिवर को वो अपने रॉयल पैलेस लेके जाते हैं, जहाँ पे किंग से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं पता, कौन क्या बोलना चाह रहे हैं। तो किंग बोलता है चलो इसे एक अपार्टमेंट दे दो हमारे पैलेस में, दो सर्वेंट दे दो और एक लैंग्वेज टीचर समझाओ जो इससे हमें समझ आए कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये। और वहाँ पे उसने देखा जितने भी चीज़ें थी खाने पीने की, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के शेप में थी या फिर ज्योमेट्रिकल या मैथमेटिकल फिगर बने हुए थे सारे, जो खाने के फिगर्स भी। और फिर अगले दिन देखते हैं वहाँ पे इतना तेज म्यूजिक चल रहा है उनके कोर्ट में कि उनके जो गुलेवर के कान है वो डेफ होने वाले हैं। और यहाँ पे क्योंकि गुलेवर का थोड़ी बहुत नॉलेज थी मैथ्स और साइंस की, तो उन्होंने लर्न किया कि इस आइलैंड का नाम लपूता है, जिसका मतलब हाई, मतलब ये बहुत ऊपर रहता है आइलैंड। तो यहाँ पे सब बहुत इम्प्रेस थे लपूता से, वो कि इतना अच्छा है मैथमेटिकल, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट था मैथ्स और ऑल पे। यहाँ पे बस उनकी वोकैबुलरी मैथ्स और साइंस के बारे में थी और उनको ज़्यादा पता नहीं था। जितने भी यहाँ पे लोग थे बस वो एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स थे, मतलब मैथ्स के या साइंस के स्टूडेंट्स थे। बट इन लोगों को डर लगता था कि कभी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं उन्होंने अपना रूप बदल लिया, मतलब कहीं और चले गए, अर्थ कहीं और चला गया, तो इनको डर लगता था। इसलिए ये सो भी नहीं पाते थे और इन्जॉय भी नहीं कर पाते थे अपनी लाइफ। इनको यही डर था कि कहीं ये सेलेस्टियल बॉडी ने अपना मूवमेंट बदल लिया तो हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा अर्थ का, बस इस डर में रहते थे। और वहाँ पे विमेन बहुत तंग रहती थी कि उनके पति तो एबसेंट माइंडेड है, और जब कोई स्ट्रेंजर आता था वहाँ पे तो वो खुश रहती थी कि चलो कोई तो आए जिसमें दिमाग है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है। अब ये आइलैंड के बारे में बता रहे कितना सर्कुलर है, और यहाँ पे लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में और कुछ ज़्यादा यहाँ पे एडवांस्ड इनके साइंस हैं, और यहाँ पे लोग बहुत खुश रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ये बहुत बोर हो गए थे यहाँ रह के, बस मैथ्स और साइंस था, तो इन्होंने सोचा मैं यहाँ चला जाता 2 मंथ बाद। ये अब बलनी बार भी चले जाते हैं, तो ये वहाँ के मेन लैंड जाते हैं जिसका नाम है लगार्डो। तो यहाँ पे ये एक फार्मर को मिलते हैं जिसका नाम है मुनोदी, तो वो उनको दिखा रहा होता है कि कितने अच्छे हार्वेस्ट हो रहा है। बट वो बोलते हैं कि यहाँ के पीपल, इनको इनको ये क्या पता, ये इनका इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी ऊपर वो क्लाउड वाली जगह पे गए थे और इन्होंने नए मेथड अपना लिए। उसने बोला बट ओल्ड इज गोल्ड, जैसे मैंने ओल्ड मेथड अपनाए और अपना काम किया जैसे चल रहा था वैसे ही मैंने कंटिन्यू किया और मेरा तो सब सही है। इन्होंने जब से कॉपी पेस्ट करना ट्राई किया इनका सब खराब हो चुका है। बोलते हैं बहुत सारे टाउन बिल्ड हुए हैं हमारे यहाँ पे और बहुत सारे न्यू मेथड, बट कोई भी नया मेथड काम ही नहीं करता हमारे यहाँ पे। फिर गुलिवर वहाँ पे एकेडमी ऑफ लगाडो विजिट करता है, जहाँ पे लोग मतलब कम्युनिकेशन बैरियर रिमूव करना चाहते जिससे लोग एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके। फिर गुलिवर अब स्कूल के प्रोफेसर से मिलना चाह रहा है, वहाँ पे घूम रहा है प्रोफेसर, जो एक प्रोफेसर मिलता है जो फाइंड कर रहा है कि डिजीज और करप्शन का रेमेडी क्या हो सकता है, लोग कैसे बच सकते हैं। फिर एक और प्रोफेसर से मिलता है जो देख रहा है, इंस्ट्रक्शन देख रहा है कि क्या क्या हमारे यहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, वो लोगों की डाइट देख रहा है, स्लीपिंग हैबिट्स, वो बहुत सारे लोगों से यहाँ पे मिलता है। अब गुलिवर यहाँ पे भी बोर हो गए, गुलिवर सर अब वो आइलैंड ऑफ लुगनैक जा रहे हैं,
क्योंकि उनको इंग्लैंड वापस जाना था ना, बट वहाँ पे जा ही नहीं पाए क्योंकि उनको कोई शिप ही नहीं मिली। अब वो चाहते हैं, अब वो नेक्स्ट आइलैंड जा रहे हैं ग्लोब ट्रिप। यहाँ पे उनको बहुत सारे मैजिशियन सॉसरर्स मिलते हैं, यहाँ पे उनको भूत मिलते हैं। इनको डर नहीं लग रहा, यहाँ पे भूत स्पिरिट्स से मिल रहे हैं इनको, यहाँ पे एंटरटेनिंग फील हो रहा है। और इनको यहाँ पे आने भी दे रहे हैं कि ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी से मिलना है तो मिल लो। तो गुलिवर बोलते हाँ, मुझे नहीं डर लगता। उन्होंने होमर से मिलते हैं, एरिस्टोटल से मिलते हैं, बोलते मुझे इनके बारे में पता नहीं पर मैं मिल सकता हूँ इनसे। और नोबल फैमिली के बारे में मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से यहाँ पे ये मिलते हैं और नोबल फैमिली से मिलते हैं। उनके फ्रॉड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अभी जो चल रहे हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अगला चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है लुगनाव में। वो अपने आप को एज होलैंडर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे उनको जापान भेजती हूँ कि जापान में खाली डच लोग ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। तो वो बोलता है चलो तुम यहाँ पे अपनी बेली पे क्रॉल करते हुए आओ और लिक करते हुए आओ पूरा फ्लोर। तो क्योंकि स्ट्रेंजर थे इसलिए उनको इतना इजी दिया, वरना जो बेकार लोग थे उनको डर्ट फ्लोर लिख करके आना पड़ता था, या जो जिन्होंने कुछ खराब किया है, जैसे किसी को मार मारा है, मर्डरर है, वो उसको पॉइजन डाल देते, उसको पॉइजन लिख करके आना पड़ता था। नेक्स्ट चैप्टर में गुलिवर को लगा कि यहाँ पे तो लोग बहुत पोलाइट हैं, जेनरस हैं। अब गुलिवर ने एक टर्म सुना, स्टल ब्रग्स मतलब इमोर्टल मैन। तो उसको लगा अरे मैं भी इमोर्टल क्यों नहीं हो सकता। तो वो ये सोचते सोचते सो जाता है और वो ड्रीम में अब इमोर्टल बना हुआ है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। और अब वो जापान चला जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी सर बोर हो जाते हैं हमारे। अब जापनीज बहुत स्पेशल हो जाते हैं जो उनके डच है वो, क्योंकि जो वो क्रूसिफिक्स जो क्रॉस साइन होता है वो बोलता है मैं इस पर ट्रैम्प नहीं करूँगा, कि उसको एक्सक्यूज नहीं आता है। तो टेम्परर को लगता है हाँ यू एक्सक्यूज मारा है तो ये होलैंडर तो हो नहीं सकता। बट उसने बोला चलो ठीक है, वैसे भी यहाँ से जाने वाला है, इसको भेज दो यहाँ से डच सेलर के साथ। तो उसको वहाँ से चला जाता है, वो अपने डच सेलर फ्रेंड उसके फ्रेंड बन जाते हैं। और फिर फाइनली 5 साल के बाद अपने वो घर पहुँच जाता है। हमारा बुक 4 यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसका नाम है अ वॉयज टू द कंट्री ऑफ हाई नेम्स। यहाँ पे भी बोर हो जाते हैं ये, अपने 5 मंथ ही अपने घर में रुकते हैं और बोलते हैं अरे यार फिर से मैं बहुत बोर हो रहा हूँ अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, चलो एक और वॉयज करता हूँ। अब ये नेक्स्ट वॉयज पर जा रहे हैं, तो ये सेल करते करते एक आइलैंड पर पहुँच जाते हैं, और रो करते करते ये वहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एनिमल्स को देखते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े हेयर हैं उनकी बॉडी पे, कोई टेल वेल नहीं है, बट वो क्लाइंब कर रहे हैं ट्रीज। तो उनको बड़ा हेटरेट सा फील हुआ, अजीब सा फील हुआ, ये चल कैसे रहे ये एनिमल्स। तो वहाँ पे एक हॉर्स आया जो जिसको बहुत अजीब लगा गुलिवर को देख के, उसके हाथ पैर सब कुछ देख रहा है। और एक और हॉर्स आया वहाँ पे उसको ग्रीट करने, हेलो हाय कर रहा है, पर गुलिवर एकदम शॉक में, हाय हेलो कैसे, इतना कैसे बोल रहे हैं ये हॉर्स। फिर उन दोनों ने मिल के गुलिवर के हैंड फीट सब एग्जामिन किए, सब दिखा, इंटेलिजेंट आदमी तो है ये। तो गुलिवर ने बोला तुम लोग कौन हो, वो बोलते हम मैजिशियन हैं यहाँ के। तो वो बोलते चलो हम तुम्हें यहाँ का विलेज दिखाते हैं। तो उन्होंने उसको एक और वर्ड हाइनेम का रियल प्रोनंसिएशन बताया, वाइनेम। और जितनी तेज वो लर्न कर रहा था उन लोगों को, अरे इतना तेज कैसे लर्न कर लिया, अभी बताया उसको समझ भी आ गया। तो अब वो चल रहे हैं 3 माइल्स तक लोग चल रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रॉ टिम्बर का देखा, एक घर बना हुआ। तो वो बोलता है तुम यहाँ पे हमें रेस्ट कर लो, हम यहाँ पे तुम्हें मिलते हैं। तो जैसे वो बैठा तो उसने अपने टॉयज और ट्रिंकलेट्स निकाले, जैसे ट्रैवलर्स कैरी करते हैं जिसके घर अगर रहने जाते हैं तो वो दे देते हैं। तो गुलिवर दूसरे रूम में वेट कर रहा था, तो वो बार बार ये लोग याहू याहू कुछ बोल रहे थे। तो हॉर्सेस को लगा कि यहाँ पे जो बीस्ट रहते हैं जो थोड़े से ह्यूमन जैसे लगते हैं, उनमें से एक गुलिवर भी है। अब उन्होंने बोला चलो तुम खाना खा लो, तो उनका खाना तो वो नहीं खा सकता। तो उसको लगा रहे अब मैं मर जाऊंगा भूख प्यास से, तब उसको बैडली फूड चाहिए था। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हमारे पास थोड़ा सा दूध है, तुम दूध पियो। उसने बोला हाँ जो भी तुम, मैं बस पी लूँगा। तो थोड़ा सा उसने दूध पिया, फिर उसने थोड़ा बार्ले की ब्रेड खाई मिल्क के साथ, थोड़ा हवा बार बेटर, तो थोड़ा
बेस्ट फील करा। बट बीच बीच में वो रैबिट भी खा रहा था, बर्ड भी खा रहा था, और यहाँ पे उसको अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पे जब उनकी मदर टंग सीखने लगा तो उसको लगा कि इनकी डच जैसी है और इनकी थोड़ी सी जर्मन जैसी लैंग्वेज। तो उसको वर्ड जो वाई नेम जो उन्होंने बताया था वर्ड, उसका मतलब हॉर्स, ये लोग हॉर्स है। तो सब बार बार उसको देखने आते थे कि कैसा है ये, कैसा याहू है जो इतना अच्छा सोच सकता है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतनी अच्छी स्पीच है इसकी। तो एक हॉर्स बोलता है, तुम याहू हो क्या? तो बोलता है, नहीं नहीं मैं तुम्हें मैं स्टोरी सुनाता हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, बट बोलता है लास्ट में तुम ऑफेंड मत होना बस मेरे से। वो बोलता है, मेरे जैसे और भी लोग हैं बहुत सारी कंट्री में, मैं अकेला नहीं हूँ गुलवर, बहुत सारे हमारे से तुम जैसे हॉर्स भी होते हैं हमारे वहाँ पे, बट वो एनिमल होते हैं जिन पे लोग राइड करते हैं, जिनको लोग कंट्रोल करते हैं। तो बोला, कैसे केयर करते हैं हॉर्स को, क्या यूज़ करते हैं? तो वो बोलता है कि हम लोग हॉर्स को मारते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको बहुत बुरा यूज़ करते हैं। ये सब सुन के मास्टर तो बहुत परेशान हो गए, ऐसे कैसे? तो फिर मास्टर बोलता है, तो बोलते ऐसे कैसे कोई याहू हमारी बैक पे पहन बैठ सकता है? कोई हमारा तो वीकेस्ट सर्वेंट भी किसी याहू को मार के आ सकता है, ऐसे कैसे? तो गुलिवर अपनी कंट्री के हॉर्स के बारे में बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत लोग ख़राब है, बस उनको या तो चोरी करने आती है या किसी को मारना आता है या तो ख़राब चीज़ें करने आती है, यहाँ पे सब बेकार है, कोई भी अच्छा नहीं है, बस ये लोग क्राइम करते रहते हैं और कुछ नहीं। तो बोलता, चलो मुझे और बताओ अपनी कंट्री के बारे में। तो वो अब कंट्री के बारे में बताता है, इंडस्ट्री, ट्रेड, आर्ट। वो बोलता, चलो वॉर के बारे में बताओ। वो वॉर के बारे में बता रहे हैं कि कितनी सारी यूरोप की कंट्रीज कैप्चर हो गई थी, कितने सारे लोग मरे थे वॉर में। और फिर मास्टर पूछता, अच्छा किस लिए वॉर होती है? बोलते, बस एम्बिशन के लिए, लोगों को पावर चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, इसलिए एक दूसरे को अटैक करते हैं, उन लोगों की बनती नहीं दूसरे से, लोग हेल्प नहीं करना चाहते, बस लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं और जो जो भी मतलब वीक होता है उस पर अटैक कर देते हैं। तो ये सब मास्टर को फिर से सुन के लगता है, अरे यार कैसे से लोग हैं ये। बोलते, हमारे यहाँ पे कोई किसी को मार भी नहीं सकता ना, इंजरी दे सकता है। बोलते, हमारे यहाँ का एक याहू ना तुम्हारे मिलियन डजन स्पीशीज को यहाँ से भगा सकता है, इतने हमारे यहाँ पावरफुल लोग हैं। तो उसको लगता है, अरे यार ये कितना फेंक रहा है मेरे यहाँ के, यहाँ पे आके ये लोग दूसरे को मारेंगे, उनके यहाँ पे करप्शन नहीं होता। तो गुलिवर बोलता, चलो मैं आपको बताता हूँ कि वेपन्स कैसे यूज़ करते हैं ये। तो बोलता, अरे अच्छा चुप रहो यार, तुम्हारी इतनी बकवास है, मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा है। तो वो बोलता है कि रीज़न बताओ। तो बोलता है कि रीज़न इसलिए क्योंकि लोगों को पसंद है ये सब करना। तो वो लॉ और लॉयर्स के बारे में बताना शुरू करते हैं, ये लॉ क्या होता है, लॉयर क्या होता है? बोलता है, लॉयर वो लोग होते हैं जिनको झूठ को सच बोल देते हैं और सच को झूठ बोल देते हैं, जिसके लिए उनको पैसा मिलता है और पैसे के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी सच्चे आदमी को भी झूठा साबित कर देते हैं अपनी इतनी अच्छी बातों से। वो बोलता है कि ये इतने ब्रिलियंट लोग नहीं है, ये बस स्टूपिड लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलता है, पता है आपको पैसा क्या होता है? जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, चाहे पैसा से हम कपड़े खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, फूड, कुछ भी। वो मनी में इतनी पावर है कि लोग इसके लिए झगड़ा करते हैं और इसी से लोग रिच बन जाते हैं, कुछ लोग पॉवर्टी और मिजरी में रह जाते हैं। तो बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, उसके लिए फिजिशियंस होते हैं। हमारे यहाँ पे डिजीज़ इसलिए होते हैं कि हम कुछ भी घास फूस खा लेते हैं और हमारे पेट ख़राब हो जाते हैं, और फिर उसकी रेमेडी के लिए हम किसी फिजिशियन ढूंढना पड़ता है। बोलते हैं, अब मैं गवर्नमेंट के बारे में बताता हूँ। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो बस अपने लिए काम करता है, अपने पैसे के लिए, और कुछ नहीं करता वो, और ज़्यादातर क्या करता है वो, ब्राइबरी, रिश्वत लेता है वो। बोलता है, अरे तुम्हें इतना कुछ पता है? तो बहुत इम्प्रेस हो गया। तो उसे लगा, ये तो इतना अच्छा बोलता है, इतना पढ़ा लिखा है, किसी नोबल फैमिली से होगा।
तो गुलिवर डिसाइड करता है वो वापस कभी नहीं जाएगा अपने लैंड। तो मास्टर ने कंक्लूड किया गुलिवर की स्टोरी से, जो लोग हैं वहाँ के वो एक स्टूपिड एनिमल है जो अपने लिए काम करते हैं, बस अपने नेचुरल करप्शन को बढ़ाने के लिए, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को खुश करने के लिए सब करते हैं। और फिर वो बताता है कि कैसे लोग छोटी छोटी चीज़ों पर वहाँ पर लड़ते हैं, क्योंकि उनके पास एक वेपन नहीं है तो एक दूसरे को मार भी देते हैं लोग, और बोलते हैं जो भी उनके सामने आएगा उसको काट देंगे, खा लेंगे या फिर उसको स्टील कर देंगे, उनके पास नहीं होगा। अब वो चाहता है कि मैं याहूस को, मतलब मैं याहू को देखना चाहता हूँ, आप मुझे कंपेयर करना याहू से। तो उसको परमिशन दे दे, ठीक है तुम वहाँ पे जाओ याहू से मिल के आओ। तो वो अपने सर्वेंट के साथ मिलता है, तो वो देखता है अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो उसको लगा कि वो रियल याहू है, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ उसको बहुत पसंद करने लगी। अब वो मास्टर के पास वापस जाता है, तो मास्टर का वो फिलॉसफी बता रहा है क्या होता है फिलॉसफी, एग्जिस्टेंस, और वो नेचर के बारे में बता रहा है। तो उसको लगा कि तुम मुझे क्यों नहीं बताते, तो वो बोलते हमारे यहाँ पे हर 4th ईयर के बाद एक मीटिंग बनती है जहाँ पे हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, रेमेडी डिस्कस करते हैं, बस ख़त्म हमारा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी काउंसिल याहूज़ के बारे में, कि याहूज़ को यहाँ से कैसे निकाले, उनके बारे में अब काउंसिल हो रही है। हाउनम्स के पास कोई लेटर नहीं है, बट उनके पास नॉलेज है ट्रेडिशन के बारे में, बस वो वही पास होते रहती, उनको कोई डिजीज़ नहीं होता, इतने अच्छे हैं वो लोग। उनकी बस डेथ ओल्ड एज की वजह से हो जाती है, जो बहुत रीजनेबल भी है। और बस ये कुछ वीक्स पहले डेथ के अपने सारे अच्छे अच्छे दोस्त और रिलेटिव से मिलके टाटा बाय बाय कर देते हैं। पहले जब वो आया था गुलेवर यहाँ पे, उसको बहुत अजीब फील होता है। अब यहाँ पे वो सेटल होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसे कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है फूड फर्नीचर, बट अब वो सॉल्व हो गई है। यहाँ पे सबसे वो कॉपरेट कर रहा है, यहाँ पे करप्शन फ्री है सोसाइटी है, यहाँ पे किसी को कोई मारता नहीं है, यहाँ पे कोई लॉयर नहीं है, कोई किसी को ऑपरेस नहीं कर रहा। ये इतना हैप्पी है कि अब उनके जेस्चर्स भी, उनके जैसे चलना भी शुरू हो गया है। तो सडनली जब वो सेटल हो गया, तो उनके फ्रेंड्स लगे क्या अजीब सा आदमी है, इसको भगाओ यहाँ से। तो गुलिवर मास्टर भी स्ट्रेस हो गया कि इसको मैं कैसे बताऊँ, बट गुलिवर बोलते ठीक है कोई बात नहीं मैं चल जाऊँगा। अब गुलिवर को वहाँ से इतना लोगों को पका रहा है वहाँ पे ये, कि लोग इससे बोर हो गए, अब इसको भगा रहे हैं वहाँ से। गुलिवर ने सोचा ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और जाना ही पड़ेगा करप्शन वरप्शन के वहाँ पे मुझे वापस। अब वो वापस जा रहा है, तो वहाँ पे उसको एक मेन की पार्टी मिली जो पोर्चुगीज में उससे बात कर रहा है। उन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी इन लोगों से कि वो फेंट होने वाला था। बट एट लास्ट उसने कुछ खाया, कैप्टन ने बोला तुम थोड़ा चिकन या गुड वाइन पी लो, तब तक हम पहुंच जाएंगे। फिर वो अपनी स्टोरी सबको बता रहे हैं, मेरे साथ पता है ये हुआ, मैंने ये किया। फिर गुलेवर को वो लोग अपनी फैमिली तक पहुंच जाता है वो। फिर से वो 5 साल के बाद पहुंचा है, क्योंकि वो 5 साल तक स्टेबल हॉर्स वगैरह से वहीं पे रहे, तो उसके अंदर से वही हॉर्स वाली स्मेल रही है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला ख़त्म होता है। बट अब लास्ट में गुलिवर बोलता है मैं ये सब तो मैं एंटरटेन करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस इन्फॉर्म कर रहा हूँ। एक ट्रैवलर का मेन पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्म करना अपने ट्रैवल्स के बारे में, लोगों को एंटरटेन करना नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें बोलते हैं हमारे स्विफ्ट की एक बंदे को अपने दिमाग से सोचना चाहिए, ना कि अगर बड़ा शरीर हो तो कुछ भी कर लो, ना कि लिलीपुटा याहू की तरह कुछ भी मेडली जो भी मन करे कर लो, बट अपने आप को एज ए हाई नेम सोचना चाहिए। और गुलिवर विश करता कि काश वो हाई नेम के साथ ही वहाँ पे रहता और यहाँ के यूरोप के लोगों को वहाँ के रूल्स बताता। और स्विफ्ट यहाँ पे बोलता है कि एक मैन की फॉल्ट क्या ही हो सकती है, उसका प्राइड। और फिर यहाँ पे गुलिवर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, और यहाँ तक देख ही लिए वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ये अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।